मार्केट में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम उस पर टूट जाते हैं और भर भर कर खाने लगते हैं। और इंडिया का पैसा बाहर भेजकर विदेशी कंपनियों को अमीर बनाते हैं और अपने सामानों को छूने से 100 बार एनालिसिस करते हैं कि कहीं दूध वाला हमारे दूध में पानी तो नहीं मिला गया, कहीं मक्खी वक्खी तो नहीं है, कहीं सब्ज़ी वाले ने हमें एक सड़ा टमाटर तो नहीं दे दिया। लेकिन हम वही विदेशी कंपनियों का सामान खाने से पहले एक बार भी एनालिसिस नहीं करते और बिना कुछ जाने बूझे ऐसे सामानों को खाने लगते हैं और विदेशियों को हम अमीर बनाते हैं। पेप्सी का नाम तो सबने ही सुना होगा। पार्टी हो या कोई सेलिब्रेशन, फंक्शन हो या कुछ भी, हम भले मेहमानों को बुलाना भूल जाए पर हम पेप्सी लाना कभी नहीं भूलते। पेप्सी एक ब्रांड है पेप्सिको कंपनी का। पेप्सिको की स्थापना 1965 में हुई और ये एक अमेरिकी कंपनी है। पेप्सी कोला और फ्रिटलो इसका पहला प्रोडक्ट था जिसे आज हम सभी पेप्सी के नाम से जानते हैं। यह प्रोडक्ट 1898 में पहली बार लॉन्च किया गया था कैलेब ब्रैडहैम के द्वारा और इसे पहले ब्रैड्स ड्रिंक बोला जाता था, लेकिन 1903 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे पेप्सी कोला के नाम से पूरी दुनिया आज जानती है। पेप्सिको कंपनी हम इंडियंस के मार्केट से लेकर घर तक, घर के सेलिब्रेशन तक अपनी पकड़ बना चुकी है और वह ऐसी पकड़ है जिसे हिला पाना भी मुश्किल है। पेप्सिको के कोई एक कंपनी नहीं है, इसके हज़ारों ब्रांड्स हैं, हज़ारों चीज़ें हैं जिसे हम भर भर कर इंडियंस खाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, माउंटेन ड्यू, लेस, क्या क्या नाम लो, इसके नाम ही नहीं ख़त्म होंगे। इतनी सारी कंपनीज हैं जिसे हम इंडियंस ने खाया है। लेज हो या कुरकुरे, चीटोस, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, कोका कोला, न जाने क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी कंपनी हो वो हमारे टेस्ट को एनालिसिस करती है और उसके बिहाफ पे ऐसी चीज़ों को फ्लेवराइज करती है ताकि हमारे मुंह को अच्छा लगे, हमें वो टेस्टी लगे और वो हम तक पहुंचाती है। और ये कंपनी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के टेस्ट का ख्याल रखती है और हमारे टेस्ट के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स को नए नए तरीके से नए नए समय पर लाती रहती है, जिससे ये पेप्सिको कंपनी आज भी रन में है। और इसका मतलब कि इसको बीट करना भी मुश्किल है, इनमें नामुमकिन सा है, क्योंकि इसका रूट बहुत ही मजबूत है हमारे इंडियन मार्केट में। खासकर हमारे इंडियन मार्केट में हम कुछ खाएं चाहे ना खाएं लेकिन स्नैक्स ज़रूर खाते हैं, कुरकुरे हो या पेप्सी हो, ये तो हमारे घर में रोज़ का ख़जाना हो गया है। फिर बात आती है इसे कंपटीशन में लाने की और इसे सबकी ज़ुबान में याद रहे इस बात का भी इस कंपनी को ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं उसे कस्टमर उसको भूल ना जाए। और इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए यही कंपनीज हमारे 36 सुपरस्टार्स का भी इस्तेमाल करती है। अपर स्टोर T20 खेलने जा रहे हो? और क्या, हम तुम्हारा ड्रिंक्स भी घुमा देंगे। ये क्या तमीज है यार, अरे ये T20 है बॉस, ना तमीज से खेला जाता। जब हम ऐसी चीज़ें अपने सुपरस्टार्स के हाथों में देखते हैं तो वो हमारे मुंह तक जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जब भी हम टीवी में कुछ भी देखते हैं, मैच हो या कोई भी पिक्चर, सीरियल या फिर कुछ भी चीज़ें हो, तो उसमें पेप्सी हो या बड़ी कंपनीज़ का एडवर्टाइजमेंट ज़रूर आता है। तो ऐसे में हमें ये रिमाइंड होता है कि ये चीज़ें, ये कंपनी हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ऊपर से फिर अपने स्टार्स को देखते हैं इनकी एडवर्टाइजिंग करते हुए तो हमें बहुत ही लुभावनी लगती है। इतने अट्रैक्टिव वीडियोज़ बना बना कर सोशल मीडियाज पर पोस्ट करते हैं और हम इनके आदि हो जाते हैं, इनका सामान इस्तेमाल करते हैं और अपने इंडिया का पैसा भर भर कर विदेशी कंपनीज तक पहुँचाते हैं। पेप्सिको कंपनी अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए उन सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल करती है जो एक कंपनी को करना चाहिए। वो अपने एडवर्टाइजिंग के लिए ऐसे स्टार्स का चयन करती है जो अपने टाइम में लाइमलाइट में हों और वो चर्चित चेहरे हों, जिनको हर कोई जानता हो और उनके चीज़ों को फॉलो करता हो। ऐसे फैक्टर्स का इस्तेमाल करके पेप्सिको कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग करती है। पेप्सिको अपने सारे प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक इजली पहुंचा सके इस बात का ख्याल रखते हुए वो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ को जॉब देती है जो कि अच्छा खासा कांटेक्ट बना सके कंज्यूमर और एक कंपनी के बीच।
जिससे प्रोडक्ट की अच्छी बिक्री हो और कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा हो। इस बात का ख्याल रखते हुए पेप्सिको कंपनी ऐसे लोगों को हायर करती है जो फ्रेंडली और हम इंडियंस की पहली पसंद भी। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पेप्सिको कभी नहीं छोड़ते हैं। गर्मी में तो खासकर, गर्मी में हमारा पेट ख़राब हो या फिर हमें अच्छा ना लगे तो हम थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक ज़रूर सोचते हैं पीने के लिए। और ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इस बात का मैं इंतज़ार करूँगी कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, आप लोग अपने अपने जवाब उस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक का बटन छूइए। अगर आपको नहीं पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो सही नहीं लगा। या फिर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे मिस रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और टॉपिक्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब का बटन टच करने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी कुछ भी इंटरेस्टिंग जानने के लिए। ये चैनल हमेशा अपडेट रहेगा, आपकी ज़रूरत का ख्याल रखेगा। आपको कैसे टॉपिक्स पसंद है इस बात का भी मैं ख्याल रखूँगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। अब मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका नमस्कार।